Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Hi, this is new. My name is Vasmita. You can call me Disha. Today I'm back with another Meesho haul. And इस बार जो मैंने haul बनाया ना वो crochet top के ऊपर है. So मुझे पता है आप लोगों को crochet top का haul video या फिर चार आपको बहुत बहुत पसंद आता है. So इस बार का जो haul होगा ना सारे like most of the tops जो होंगे ना वो क्रोशेट टॉप के ऊपर ही होंगे. फ्यू कुछ टॉप्स होंगे, थोड़े बहुत दो चार टॉप्स ऐसे होंगे जो कि कोरियन टॉप्स होंगे, बट सारे के सारे जो टॉप्स है ना वो आपको क्रोशेट टॉप की, क्योंकि उनकी प्राइस थोड़ा ज्यादा रहती है, सो आपको 600 700 के अंदर आपको सारे मिलेंगे. कुछ कुछ तो 500 के अंदर भी मिलेंगे. सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. फैशन रफ्तार से ना मैंने तीन क्रोशे टॉप मैंने लिया था एंड तीन मैंने कोरियन टॉप्स लिए थे जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको. सो मैं पहले टॉप्स दिखाती हूँ फिर उसके बाद क्रोशे टॉप दिखाऊंगी. फर्स्ट वन इज दिस इम्पोर्टेड डिजाइनर लेस लाइक्रा टॉप. सो ये जो पड़ा ना मुझे 355 एंड साइज मैंने इसका एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है. सो मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ही पिंटरेस्टी वाला टॉप है ये, यू कैन सी. सो यहाँ पे उन्होंने लेस के साथ ही क्यूट लिटिल बो रिबन किया है एंड यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो नीचे आपको एल्बो तक ये स्लीव मिलेगी. मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, मैं भी मुझे थोड़ा सा लूज हो सकता है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना वो स्ट्रेचेबल वाला फैब्रिक है. सो मुझे यहाँ वेस्ट में थोड़ा सा लूज हो सकती है एंड वेस्ट की तरफ आप नीचे देखोगे ना तो उन्होंने ऐसा लेस का डिटेलिंग किया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है. ये जो लेस है ना ये व्हाइट कलर का नहीं है, थोड़ा सा क्रीम बीज कलर का है. सो यहाँ पे स्लीव के नीचे भी आपको ऐसे मिलेगी लेस, मिलेगी लेस की डिटेलिंग एंड दोनों स्लीव आपको थोड़े पफ वाले स्लीव्स उन्होंने बनाया है स्क्वायर निक के साथ एंड इन्होंने एक्स्ट्रा स्मॉल का मंगाया है. इसको आप ना कोई डेनिम स्कर्ट या फिर देसी स्कर्ट जो होता है वो आप ट्राई कर सकते हो या फिर कोई बीच कलर का अगर आपके पास फ्लेयर वाला स्कर्ट है ना तो वो भी आप पहन सकते हो. सो एनीथिंग विल लुक गुड. सो या यू कैन ट्राई. नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है दैट इज इम्पोर्टेड 3D फ्लावर स्ट्रेचेबल टॉप. इसका भी जो फेब्रिक है ना वो सेम फेब्रिक है. 562 इसका प्राइस है एंड साइज मैंने इसका एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया है. अगर आप देखो ना प्राइस के हिसाब से टॉप इतना कुछ खास नहीं है, इतना भी कुछ खास टॉप नहीं है जो ये लोग इतना प्राइस कर रहे हैं. सो यहाँ पे ये जो फ्लावर है ना आप देख रहे हो ये फ्लावर बस उन्होंने लगाया हुआ है, दो फ्लावर है एंड और इसमें कोई डिटेलिंग नहीं है. जो इसकी फेब्रिक है नॉर्मल मीशो वाली फेब्रिक है, स्ट्रेचेबल वाली फेब्रिक है. सो इतनी कुछ अच्छा मेरे को तो नहीं लगा. या अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज के हो देन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप ये खरीदना, आप पे अच्छा दिखेगा. अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के हो ना मेरे साइज के देन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. ये इतना ज्यादा फ्लैटरिंग आप पे नहीं लगेगा एंड इस पे आपको राउंड नेक के साथ ये शॉर्ट स्लीव मिलेंगे. सो इसके साथ आप अगेन कोई स्कर्ट पेयर कर सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो वेयर ए जीन्स. इसके साथ जीन्स बहुत अच्छी लगेगी एंड जो बॉडीकॉन स्कर्ट होता है ना वो भी आपको जैसे पेंसिल स्कर्ट होता है तो वैसे टाइप का कोई मैक्सी स्कर्ट जो होगा अगर आपके पास तो वो आप ट्राई कर सकते हो ये ब्लैक कलर में या फिर ये व्हाइट कलर में, दोनों कलर इसके साथ जाएगी. सो या यू कैन गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है दैट इज इम्पोर्टेड क्वीन सैंडो स्ट्रेचेबल टॉप. सो ये ब्लैक कलर का टॉप है एंड इसका जो प्राइस है वो 287. साइज मैंने इसका एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है. ये हाँ ये बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको ये वाला टॉप मिलेगा एंड इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लाइक दे आर सेइंग इम्पोर्टेड. सो हाँ ये है वैसा लग रहा है. आई मीन ये नॉर्मल मीशो वाली फेब्रिक ही नहीं है. सो दिस इज परफेक्ट फॉर योर समर. आपके कुछ हल्का सा पहनना चाहते हो देन यू कैन वेयर दिस. अगर आपको स्लीवलेस पहनना पसंद है तो यहाँ पे उन्होंने लेस की डिटेलिंग किया हुआ है फ्रंट में, पीछे कपड़ा है उसके ऊपर उन्होंने ये लेस की डिटेलिंग किया है. सो सी थ्रू नहीं है एंड यहाँ पे क्यूट लिटिल बो उन्होंने रिबन का बनाया हुआ है जो कि बहुत ही क्यूट है एंड इसको ना कोई ब्लैक स्कर्ट के साथ पहन सकते हो या फिर ब्लैक जीन्स के साथ, सॉरी ब्लू जीन्स के साथ पहन सकते हो या फिर ब्लू डेनिम स्कर्ट के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हो. पीछे का मैं आपको दिखाती हूँ. पीछे आपको इसे स्क्वायर नेक मिलेगा बैक साइड पे एंड ये बहुत ही छोटा सा टॉप है. टॉप की लेंथ आप देख लो, इतना छोटा सा टॉप है, क्रॉप टॉप है. सो या यू कैन डेफिनेटली चेक दिस टॉप होगा. सो फर्स्ट वन आई विल गो विद दिस व्हाइट कलर का. ये बहुत ही एस्थेटिक एंड पिंटरेस्टी टॉप है. जितने भी आपको टॉप्स आज मिलेंगे ना क्रोशे वाला सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है. सो ये वाला फर्स्ट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी. सो दिस इज फॉर 355 एंड साइज इसका मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है. सो आप इसका देख लो, ये ऊल वाली फैब्रिक होगी. दिस इज हाउ इट लुक्स. आई मीन देख लो कितना प्यारा है. राउंड नेक के साथ आपको ये जो फ्लावर उन्होंने किया है ना बीच में, टॉप का लेंथ आप देख लो, क्रॉप टॉप है बिल्कुल. इसको ना आप कोई डेनिम स्कर्ट के साथ पहनना बहुत सुंदर लगेगा. आप इसको ना कोई ब्लैक जीन्स के साथ भी, ट्राउजर के साथ जो हाई वेस्टेड है ना उसके साथ तो बाई गॉड बहुत सुंदर लगेगा. आप इसको पेयर अप करके भी पहन सकते हो कोई ब्लैक मॉक नेक, क्योंकि विंटर आ रहा है सो ब्लैक
मॉक नेक टॉप के ऊपर आप इसको ऐसे यू नो लेयर करके पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। जो फुल स्लीव का मॉक नेक टॉप आता है उसके साथ भी बहुत सुंदर लगेगा। एंड ये जो फ्लावर है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड चारों तरफ उन्होंने ये ब्लैक का लाइनिंग दिया हुआ है। बैक में कोई ऐसा डिजाइन नहीं है। एंड इसकी दिखाती हूँ मैं कैसी क्वालिटी है। सो क्वालिटी कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप ऐसे भी पहन सकते हो या फिर लेयरिंग करके भी पहन सकते हो, दोनों तरीके से ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा। सो यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट टॉप है वो है दिस, ये ब्लैक कलर का टॉप है। इसका जो प्राइस पड़ा ना दैट इज 455 एंड साइज मैंने इसका एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है। सो ये थोड़ा सा उससे बड़ा है इन कंपैरिजन लेंथ, लेंथ पे अगर कंपेयर करो थोड़ा सा बड़ा है। सो दिस इज द फ्रंट, हाँ फ्रंट बैक इसका सब सेम ही है। सो ये कुछ इस तरह का ब्लैक, ब्लैक नहीं थोड़ा सा यू नो बीज कलर में आता है एंड ब्लैक में उन्होंने थ्रेडिंग किया है। सो नीचे आपको ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स मिलेगी एंड नीचे आपको ऐसे डिजाइन मिलेगा लटकन के साथ। बहुत ही एस्थेटिक वाला टॉप है। इसको आप भी पेयर अप करके पहन सकते हो, ऐसे भी पहन सकते हो। पेयर अप करोगे तो ब्लैक मॉक नेक टॉप के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा प्रीटी लगेगा, एस्थेटिक लगेगा, पिंटरेस्टी लगेगा। एंड इसके साथ आप कोई ब्लैक स्कर्ट या फिर ब्लैक जीन्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बट हाई वेस्ट वाला, चाहे वो स्कर्ट हो या फिर डेनिम हो। फेब्रिक मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसकी फेब्रिक ना कुछ इस तरह की है, बहुत पतला, इतना ज्यादा ये जो टॉप है ना इतना ज्यादा मोटा वाला उन्होंने नहीं किया है। सो या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट टॉप जो है ना वो है एलिफ लेटेस्ट फैशन ब्रांड से। ये इसका प्राइस जो पड़ा ना वो 463 था, साइज मैंने इसका भी एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये कुछ ऐसे राउंड नेक में आपको ये टॉप आता है, यहाँ पे उन्होंने ऐसे फ्लावर किया हुआ है एंड यहाँ पे दो फ्लावर ही है इसमें। एंड ये पूरा क्रॉप टॉप है, पूरा ग्रीन पैरोट ग्रीन कलर में आपको ये मिलता है राउंड नेक के साथ। सो इसको ना आपको ये डेनिम ब्लू डेनिम के साथ परफेक्ट होगा उसके साथ पहनना, या फिर मिनी स्कर्ट अगर आपके पास है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट एनी किसी के साथ भी ये जाएगी। तो इसकी भी फेब्रिक ना सेम ही होगी, ऊल की फेब्रिक होगी एंड बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है ये। सिर्फ 400 में आपको मिल रहा है ये वाला प्यारा सा क्रॉशे टॉप। सो आप बिल्कुल इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है दैट इज फ्रॉम एम एडिशन ब्रांड से मैंने लिया है। इसका नाम है BW स्ट्राइक टैंक टॉप। सो इसका जो प्राइस था वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, 171 एंड साइज इसका मैंने स्मॉल लिया है। बट मुझे ये थोड़ा सा लगा ये जो टॉप है ना ये थोड़ा सा टिल्टेड है, लाइक यू कैन सी, आप थोड़ा देखोगे ना ऐसे मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी वजह से ना ये थोड़ा सा चीप लग रहा है मेरे को। बट ये परफेक्ट है जो H&M में एंड बड़े बड़े ब्रांड्स में मिलते हैं उनका ड्यूप आप इसको बोल सकते हो। इसका कलर सॉरी इसका जो क्वालिटी है ना वो कुछ ऐसा कॉटन ब्लेंड या फिर लाइक्रा फैब्रिक में आएगा एंड दिस इज नॉट स्ट्रेचेबल एट ऑल। सो आप अपने साइज के हिसाब से मंगाया, मैंने ये स्मॉल मंगाया था फिर भी मुझे अच्छे से फिट हो रहा है। सो आप एक साइज बिगर जाना इसके लिए मुझे ऐसा लगता है। एंड स्लीवलेस है, स्लीव पे ही बॉर्डर दिया है एंड इसकी लेंथ आप देख लो, पूरा क्रॉप टॉप से थोड़ा ज्यादा या फिर आप बोल सकते हो ठीक ठाक क्रॉप टॉप है। एंड या यू कैन गो फॉर दिस वन विथ, यू कैन पेयर इट विथ ए ब्लैक डेनिम जो हाई वेस्ट वाला डेनिम जीन्स आता है उसके साथ आप पहन सकते हो, या फिर कोई मिनी स्कर्ट जो आपके पास अवेलेबल हो वैसे पहन सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा ये अगेन दिस इज, यहाँ पे तो लिखा भी है कि ये H&M से है। सो इसका नाम है स्ट्रिप टैंक टॉप। इसका प्राइस एंड साइज मैं आपको पहले बताती हूँ। सो इसका जो प्राइस है ना वो एक्स्ट्रा स्मॉल सॉरी 231 है एंड साइज मैंने इसका एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है। जब मैंने इसको परचेस किया था ना मेरे को वो पिंक कलर का ये जैसे पर्पल वाला हुआ है ना वैसे पिंक कलर का मुझे बहुत पसंद आया था, बट वो फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक हो गया एंड ये भी अभी स्टॉक में नहीं है फिलहाल। बट दिस लुक सो गुड, मुझे इस तरह की टैंक टॉप बहुत पसंद आते हैं जो स्ट्रिप वाले होते हैं एंड ये फिलहाल तो बहुत ही ट्रेंड में था, अभी भी है एंड ये हमेशा रहेगा ऐसे वाले प्रिंट के जो भी टॉप होते हैं ना। सो ये दिस इज ए क्रॉप टॉप एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आई मीन यू कैन सी पूरा रिब वाला फैब्रिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टैग लगा ना वो H&M का लिखा है, नॉट श्योर कि ये H&M का है या नहीं है बट दिस इज प्रीमियम क्वालिटी, वो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। एंड मैं ट्राई करूंगी इसका लिंक देने के लिए आपको, अगर अवेलेबल हो जाए जब तक मैं पोस्ट करूंगी। सो या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। इसको ना आप कोई भी मतलब बहुत तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो, आप इसको जीन्स के साथ पहन सकते हो, स्कर्ट के साथ पहन सकते हो। तो जीन्स के साथ आप पहन रहे हो देन गो विथ व्हाइट जीन्स, व्हाइट या फिर ब्लू डेनिम के साथ भी जाएगी अच्छी। सो या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। लेट्स सी नेक्स्ट टॉप। नेक्स्ट टॉप मैंने लिया है क्या नाम है इसका, फैशन गियर ब्रांड से मैंने लिया है एंड इसमें मैंने दो क्रोशे टॉप लिया है। सो एक जो है उसका नाम दोनों का सेम ही है, इम्पोर्टेड हाई क्वालिटी क्रोशे टॉप। इसका प्राइस है 626, साइज मैंने इसका स्मॉल लिया है। एंड इसका दूसरा जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों साथ में ही, नहीं पहले वो ये वाला दिखाती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट वन जो मैंने लिया है ना, मुझे बहुत बड़ा हो रहा है जो स्लीव के एंड में ना ये बहुत लूज हो रहा है, मेरे हैंड्स पतले तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे पे। बट या दिस इज वेरी गुड, अगर आप मीडियम या फिर एक्स्ट्रा लार्ज हो देन आप अपने साइज से एक छोटा जा सकते हो,
तो वो आपको बहुत अच्छी आएगी. बट अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल हो देन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, फिर वो बहुत यू नो लूज हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा फिर. सो आप देख सकते हो कितना एस्थेटिक वाला ग्रीन, यू नो पेस्टल वाला ग्रीन कलर यहाँ पे, ये बीच व्हाइट, प्योर व्हाइट नहीं है, ऑफ व्हाइट कलर का उन्होंने किया है. फेब्रिक सबका, जितने भी क्रोशे है ना, सबका यही वाला फेब्रिक आता है, यही वाला स्टिचिंग आता है. सो आपको ऐसे वी नेक पे आपको मिलेगा. यहाँ पे उन्होंने बटन ऐड किए हैं, सारे खोलते हैं, आराम से खोल के इसको पहन सकते हो. एंड पूरे टॉप में आपको ऐसे लिटिल लिटिल फ्लावर्स मिलेंगे. एंड इसकी क्वालिटी जेन्युइनली बहुत ही अच्छी है. सो इसकी लेंथ आप देख लो, लेंथ आपको इतनी ही मिलेगी. सो या यू कैन डेफिनेटली पेयर इट विद ए डेनिम जीन्स. ब्लू डेनिम के साथ क्रोशे टॉप जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है. सो या आप इसको वैसे पेयर कर सकते हो. नेक्स्ट टॉप जो है वो मैंने लिया है सेम ब्रांड से, एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा 463, एंड साइज इसका स्मॉल लिया है मैंने. सो ये भी अच्छा ही है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं लगा, बट यू कैन सी कितना प्यारा लग रहा है. ये लूज है, अगेन सेम उसका जो साइज होगा इसका भी वही बिग बिग है ये. तो आप अपने साइज का एक छोटा साइज ले सकते हो. एंड नीचे आप देख रहे हो कितना अच्छा उन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, बहुत ही एस्थेटिक है. इसके साथ अगेन आपको ही ब्लू डेनिम स्कर्ट पहनना वो ज्यादा अच्छा दिखेगा. एंड ये परफेक्ट वैकेशन आउटफिट के लिए एकदम, यू नो क्योंकि अभी विंटर आ रहा है तो आप इसको आराम से पहन सकते हो. एंड ये इरिटेटिंग वाला फेब्रिक नहीं है. हाँ, अगर आप समर में पहनोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीव आपको इतना ही मिलेगा, शॉर्ट स्लीव यहाँ तक आएगा. सो या यू कैन डेफिनेटली चेक दिस पिंटरेस्टी क्रोशे टॉप. ये वाला जो टॉप है ना मैंने आज ही रिसीव किया, अभी तो मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया है कैसा लगे, बट जैसा कैटलॉग में दिखाया था वैसा लग तो रहा है. जो पहनने के बाद पता चलेगा, मुझे लग रहा है ये मुझे बड़ा होगा, आई एम नॉट श्योर. ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कैसा, मैं आपको ट्रायल में दिखाऊंगी. एंड बट जैसा उन्होंने डिजाइन दिखाया ना, डिजाइन बिल्कुल सेम आपको मिलेगा व्हाइट वाला. इसके ऊपर ना मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपके पास कोई कॉर्सेट का पैड आता है ना जो आप यहाँ पे पहनते हो, तो वैसे आप इसको पहन सकते हो कोई भी स्कर्ट के साथ, व्हाइट कलर स्कर्ट के साथ. एंड यहाँ से आप कोई क्रोशे, क्योंकि उन्होंने वैसा ही डिजाइन किया है. यू कैन सी कॉर्सेट टॉप में होता है ना, यहाँ से कॉर्सेट में होता है ना वेस्ट में, वैसा ही उन्होंने डिजाइन किया है. तो आप वैसे आप इसको ट्राई कर सकते हो, पहन सकते हो, वो बहुत अच्छा लगेगा. एंड ये स्कर्ट के साथ बहुत प्यारा लगेगा, व्हाइट डेनी व्हाइट यू नो देसी स्कर्ट जो होता है पिंटरेस्टी वाला, उसके साथ आप जा सकते हो. स्लीव ये आपको यहाँ तक 130 आएगी. एंड यहाँ पे उन्होंने टाई करने के लिए दिया है, ये फ्रंट का पार्ट उन्होंने इलास्टिक नहीं है, बट या ये शोल्डर का पार्ट जो है ना वो आपको थोड़ा इलास्टिक वाला मिलेगी. एंड ऑल्सो आप इसको ऐसे लाइक ऑफ शोल्डर करके भी पहन सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पहन सकते हो. एंड नीचे का मैं आपको दिखाती हूँ, टॉप का लेंथ आपको इतना ही आएगा. एंड या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट जो टॉप है वो मैंने लिया है वीरा अगपे ब्रांड से. ये वाला ना बहुत ही मैंने इंस्टा पे जैसे ही डाला था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. एंड बहुत ही सुंदर सा टॉप है ये, फुल स्लीव का. इसका नाम है पॉइंटेल टॉप. एंड इसके दो आपको कलर मिलेंगे, एक तो ये वाला है एंड एक ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज एंड येलो कलर में है. दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं. एंड इसका प्राइस मुझे बड़ा 512. साइज इसका मैंने शायद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया है. सो या लेट मी शो यू इसकी क्वालिटी. जितने भी आप टॉप देखो ना, सबसे अच्छी तो ये वाला है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया. आई मीन यू कैन सी कितना ज्यादा पिंटरेस्टी एंड एस्थेटिक है ये टॉप. फुल स्लीव के साथ आपको मिलेगा, स्लीव पे भी आप देख लो कितनी प्यारा यू नो डिजाइन उन्होंने किया है. यहाँ तक लाइक रिस्ट तक आपका ऐसे होता है, फिर यहाँ पे उन्होंने ऐसा बल्की सा उन्होंने फेब्रिक दिया है, बहुत ही सुंदर है. इसका जो नेक है वो आपको ऐसे राउंड नेक पे आएगा. एंड या यू कैन पेयर इट, आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, आप ना इसके अंदर कोई कैमिसोल पहन सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है. जैसे मैंने ब्लैक कलर के अंदर पहनी थी, जो क्रॉप वाली कैमिसोल होती है वो आप पेयर कर सकते हो उसके अंदर. एंड या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. आई मीन इसकी क्वालिटी आप देख रहे हो कितनी अच्छी क्वालिटी है ना. डेनिम स्कर्ट के साथ पहनना, जो कि लाइट बीज जो मेरे पास है, जो मैंने न्यूनी से लिया है, वैसा अगर आपके पास कोई स्लिट वाला डेनिम स्कर्ट है ना, थोड़ा बॉडी हॉगिंग, तो वो आप बिल्कुल ट्राई करना एक बार, अच्छा लगेगा. ओके, नेक्स्ट टॉप जो है वो मैंने लिया है फैशनेबल मंजिल प्राइवेट लिमिटेड से. इसका नाम है इम्पोर्टेड क्रोशे टॉप. एंड इसका प्राइस जो पड़ा ना वो मुझे पड़ा 755. साइज मैंने इसका एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है. एंड इस तरह की ना ये वाला डिजाइन की आपको इतने सारे वेरायटी कलर के मिलेंगे ना आपको मीशो पे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. हो सकता है तो मैं कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी ना, कितने सारे हैं. सेम आपको मिलेगी एंड वो गारंटी है ऐसी अच्छी वाली क्वालिटी की मिलेगी. सो मैं आपको दिखाती हूँ. ये वाला जो मुझे थोड़ा सा पिंटरेस्ट लगा था, तो मैंने ये पहले ऑर्डर किया था. एंड मीशो ने अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे ऐड किए हैं जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते होंगे. तो ये कुछ राउंड नेक पे आपको मिलेगा. एंड यहाँ पे आपको जो है वो कुछ कार्डिगन की तरह ये आपको क्रोशे का टॉप आपको मिलता है. सो यहाँ से आप जो देख रहे हो ना, यहाँ से ये पूरा ओपन है, ठीक है, ये पूरा ओपन है. एंड बस स्लीव जहाँ पे है ना, वहां से थोड़ा ये जॉइंट उन्होंने किया है. सो मैं आपको दिखाती हूँ.
एंड इसकी फेब्रिक आप देख लो कैसा उन्होंने वूल का, कितनी अच्छी एंड प्रीमियम क्वालिटी की है ये। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, आई मीन देख लो कितना एस्थेटिक है। इसको ना ब्लू डेनिम स्कर्ट के साथ पहनना बहुत अच्छा लगेगा एंड पूरे नीचे यू नो फ्रंट के पार्ट में उन्होंने ऐसा ही किया है। सो इसके अंदर ना अगर आपके पास कोई कैमिसोल है व्हाइट या बीज या ब्लैक जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ट्राई कर सकते हो। बीज कलर का पहनोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, लाइक यू कैन सी मैंने जो ये येलो कलर का ये व्हाइट कलर का तो ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ऐसे ब्लैक में थोड़ा सा मैंने जो पहना है आप वो ना पहनकर अगर आपके पास बीज है तो आप वो ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, आई मीन यू कैन सी फ्रंट बैक इनका दोनों साइड सेम है। नेक्स्ट जो टॉप मैंने लिया है हग नेशन मैजेंटा बॉर्डर पिंक टैंक टॉप, इसका प्राइस पड़ा 215 रुपीज, साइज मैंने स्मॉल लिया है एंड ये मैंने लिया है यो हाइनीस ब्रांड से। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको ये टॉप मिलता है, मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, जैसा उन्होंने दिखाया है वैसा ही है डिक्टो, बट ये जो दिखाया था उन्होंने ये थोड़ा सा डार्क पिंक था बट यहाँ पे ये मेरून कलर का उन्होंने दे दिया है। बट एनीवेज इट लुक्स सो प्रीटी, आई डोंट नो ट्राई करने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसको अगेन मैं बोलूंगी इस तरह की जो टॉप है ना ये यहाँ पे लिखा है हग नेशन बेला मोर, सो इसको ना आप ऐसे ब्लू डेनिम स्कर्ट के साथ ट्राई करना बहुत ज्यादा प्रीटी लगेगा। एंड इसकी फेब्रिक वो जो मीशो की आती है फेब्रिक वही वाली फेब्रिक है। सो या यू कैन डेफिनेटली चेक दिस टॉप। नेक्स्ट जो टॉप है ना वो मैंने लिया है नोमाडीज ट्रेन से एंड इसका नाम है ट्रेंडी स्ट्रेचेबल टैंक टॉप वेस्टर्न टॉप टैंक टॉप विथ लेस। इसका प्राइस पड़ा 159 ओनली, साइज इसका मैंने स्मॉल लिया है, मैंने अब तक इसको ट्राई नहीं किया है, आपको ट्राई में दिखेगा कि कैसा दिख रहा है। सो ये नॉर्मल जैसे मिंत्रा पे हर जगह पे मिलता है बट यहाँ पे मीशो पे आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा है। मिंत्रा पे अगर आप देखोगे ना तो ये आपको 200 के ऊपर ही मिलेगा ये वाले ऐसे वाले जो टॉप होते हैं, बट यहाँ पे आपको 159 में मिल रहा है। सो ये ऐसे हल्टरनेक वाला टॉप है जो कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस होके आपका फ्रंट में ये वाला पार्ट रहता है। सो फ्रंट में आपको ऐसे क्रॉस यहाँ से होके ऐसे जाएगा एंड पीछे आपको स्क्वायर ऐसे मिलेगा। सो मुझे नहीं पता कि ये मुझे फिट होगी कि नहीं, तो फिट अपने उसके अकॉर्डिंग देखे आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। इसको भी आप ब्लैक है तो ब्लू के साथ बहुत अच्छी लगेगी, ब्लू डेनिम के साथ आप इसको पेयर कर सकते हो चाहे वो जीन्स हो या फिर स्कर्ट हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एंड इसके साथ आप ब्लैक बूट यू नो मैच करके पहन सकते हो। लास्ट टॉप ऑफ दिस ऑल जो कि क्रॉस टॉप है, सो ये जो सॉरी लास्ट टॉप बोल रही हूँ अभी दो एक और बाकी है। सो मैं पहले ये क्रॉस टॉप को आपको दिखाती हूँ। सो ये जो टॉप है ना ये मैंने लिया है कहाँ से लिया था मैंने क्लॉथिंग एम्पायर से ये वाला टॉप लिया है, इसका नाम है इम्पोर्टेड हाई क्वालिटी क्रोशे टॉप। इसका प्राइस जो पड़ा दैट वाज 463, साइज मैंने इसका एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है। ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉप है, इस सिमिलर मैंने आपको दिखाया था जो कि ग्रीन कलर में, बट वो दोनों अलग अलग ब्रांड से है। सो ये आपको यहाँ पे बस ये फ्लावर एंड ये फ्लावर मिलता है, ये ऑरेंज सॉरी रेड एंड येलो में एंड ये आपको ब्लू एंड ऑरेंज में आपको मिलेगा स्लीवलेस एंड बहुत ही क्यूट सा क्रॉप टॉप है। अगेन आप इसको वैसे पहन सकते हो डेनिम स्कर्ट के साथ या फिर इसको पेयर अप करके कोई मॉक नेक टॉप के ऊपर आप पहन सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। सो या आई कैन डेफिनेटली चेक दिस। ओके जो लास्ट टॉप ऑफ दिस हॉल वो है ये वाला टॉप, इसका नाम है फुल स्लीव बॉटम इलास्टिक टॉप विथ वाइट बैंडिंग फॉर वुमेन। इसको मैंने लिया है OSR फैशन ब्रांड से एंड इसका प्राइस पड़ा 311, साइज इसका मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है। बहुत ही एस्थेटिक सा टॉप है, मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, ट्राई करूंगी तो पता चलेगा कि कैसा दिख रहा है। इसकी जो क्वालिटी है ना वो मीशो की चीप वाली क्वालिटी है एंड दिस इज स्ट्रेचेबल, तो आप अपने हिसाब साइज के हिसाब से छोटे साइज में जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छी फिटिंग आएगी क्योंकि ये स्ट्रेचेबल हो जाता है। सो यहाँ पे उन्होंने ऐसे यू नो बो दिया है एंड ये बैक का डिजाइन में आपको ऐसे पीछे आपको ऐसे मिलेगी राउंड स्क्वायर नेक पे आपको ऐसे स्ट्रैप मिलेगी, फ्रंट में आपको ऐसे राउंड नेक मिलेगा, स्लीव आपको फुल स्लीव मिलेगी, स्लीव पे आपको कोई नहीं मिलेगा बॉर्डर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट में उन्होंने ये डिजाइन दिया है इलास्टिक जैसा उन्होंने दिया हुआ है, वो अभी पहनने के बाद ही पता लगेगा कैसा फिटिंग। इसको आप ना व्हाइट जो फ्लेयर वाली स्कर्ट होती है ना उसके साथ आप पेयर कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जितने भी मैंने टॉप्स दिखाया उनमें से कौन सा वाला टॉप सबसे ज्यादा पसंद आया। एंड या दैट वाज टुडेज हॉल, आई होप आपको मेरा जो क्रोशे टॉप का कलेक्शन था वो बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर फ्यूचर में मीशो पे आती है और ज्यादा टॉप्स देन मैं अभी विंटर भी आ रहा है तो आई डू मोर सच हॉल्स, सो प्लीज लेट मी नो इफ यू वॉन्ट दीज काइंड ऑफ हॉल्स मोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। या आई विल सी यू माई नेक्स्ट हॉल, टिल देन टेक केयर, बाय।